हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस फैसले का सारे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल फैंस को इंतजार था, क्रिकेट फैंस को इंतजार था, वो फैसला आ चुका है। दोस्तों, आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि इस साल 2020 में 2020 वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वर्ल्ड टी20 इस साल नहीं होगा, पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों, 2020 का टी20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन होके 2021 में कर दिया गया है। 2021 में अक्टूबर नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को होगा। और दोस्तों, 2022 में भी टी20 वर्ल्ड कप होगा अक्टूबर नवंबर में ही, जिसका फाइनल नवंबर 13 को होगा। और 2023 में मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला जाएगा, वो भी अक्टूबर नवंबर के बीच में खेला जाएगा। अब दोस्तों, आईसीसी के इस फैसले से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। आईपीएल इसी साल खेलना तय हो चुका है। दोस्तों, टेंटेटिव डेट के अनुसार आईपीएल 28 सितंबर से स्टार्ट होगा और दोस्तों 9 नवंबर तक चलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। जी हां दोस्तों, यूएई में। पर दोस्तों, आईपीएल डेट्स को लेके भी, जो फिक्स डेट्स है उसको लेके भी बहुत सारी बातचीत होनी बाकी है, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट दिया गया है 28 सितंबर से 9 नवंबर तक, उससे फ्रेंचाइजीज और जो ब्रॉडकास्टर्स है यानी कि स्टार स्पोर्ट्स, वो नाखुश है। स्टार स्पोर्ट्स ये चाहता है कि 9 नवंबर की जगह 14 नवंबर को आईपीएल ख़त्म किया जाए, क्योंकि दिवाली आसपास ही होगा और उनको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलने के चांसेस है। दिवाली के दिन यानी सैटरडे को आईपीएल का फाइनल कराया जाए। अब दोस्तों, देखते हैं बीसीसीआई कब तक फाइनल शेड्यूल लॉन्च करती है आईपीएल का। पर दोस्तों, ये लगभग तय है कि सितंबर से नवंबर के बीच में आईपीएल खेले जाना तय है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, क्योंकि जो आईपीएल के पीछे जो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी कि वर्ल्ड कप टी20, वो अब पोस्टपोन हो चुका है, तो आईपीएल के बीच में अब कोई भी बाधा नहीं रह गई है। तो दोस्तों, लगातार आईपीएल के इम्पोर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।